वेलकम टेक्सन स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम अपने इतिहास का दूसरा वीडियो आज लेकर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो के काफ़ी जो प्रश्न हैं सारे अच्छे लेवल के हैं और इस वीडियो में हमने 20 प्रश्न लिए हैं। अगर आप 20 में से अगर 12-13 प्रश्न भी अगर सही कर ले पा रहे हैं, देखिए 20 में से अगर आप 12-13 भी प्रश्न अगर सही करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी हिस्ट्री की तैयारी अच्छी है, क्योंकि हमने इस वीडियो में काफ़ी अच्छे लेवल क्वेश्चन लिया है जो कि आपके मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आप लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल है काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तो इस वीडियो में आपको अच्छे लेवल क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, तैमूर लंग के आक्रमण के समय तुगलक वंश का शासक कौन था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तैमूर लंग के आक्रमण के समय तुगलक वंश का शासक कौन था, आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। जो तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था भारत पर वो हुआ था 1398 में, और 1398 में, और देखिए उस समय भारत में यानी कि शासक किसका था तुगलक वंश का, तो वहीं आपको जवाब देना। देखिए पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगला ऑप्शन क्या है शहजादा मोहम्मद, ये भी गलत है, और फिरोज शाह तुगलक ये भी गलत है। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, यहाँ पर शाह काट दीजिए आप, नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद तुगलक जो था इसी के समय में तैमूर लंग ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो यहाँ पर नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 22वां प्रश्न है कि सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किस शहर को पूर्व का सिराज या फिर सिराज हिंद कहा गया। देखिए जो हमारा हिस्ट्री का ये है सीरीज, इसमें हम आपको 100 प्रश्न देने वाले हैं 20-20 प्रश्न करके। इसी प्रकार से हम जो अन्य हमारे टॉपिक होते हैं जैसे कि भूगोल और राजव्यवस्था, वो भी आपको मिलने वाला है। तो देखिए सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किस शहर को पूर्व का सिराज या फिर सिराज हिंद कहा गया, तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जौनपुर, जौनपुर को जो है सिराज हिंद या फिर पूर्व का सिराज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बात आई जौनपुर के, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए जौनपुर की स्थापना किसने की थी। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जौनपुर की स्थापना की थी वह तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने की थी, किसने आपको याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक ने जो है जौनपुर की का जो स्थापना था जूना खान, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जूना खान था, तो जूना खान के नाम पर ही जो है जौनपुर की स्थापना की गई थी, और इसे सिराज हिंद भी कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी, उनमें से प्रमुख नगर कौन कौन से हैं जैसे कि फिरोजाबाद, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर और जौनपुर, ये सभी जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इनकी स्थापना की गई, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है उस मस्जिद का नाम बताएं जिसके आकार में इल्तुतमिश तथा सिकंदर लोदी द्वारा वृद्धि की गई। तो ऐसा कौन सा मस्जिद है जिसके आकार में इल्तुतमिश तथा सिकंदर लोदी द्वारा वृद्धि की गई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार। देखिए जो कुतुब मीनार का जो आधार है, यानी इसका निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर इसके बाद में इसके आकार में इल्तुतमिश ने वृद्धि करवाया, फिर बाद में जो है सिकंदर लोदी ने इसके आकार में वृद्धि करवाया था। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी सी चुना होगा उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये अजमेर में स्थित है, इसकी स्थापना इसका जो निर्माण है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, और जो कुव्वत उल इस्लाम है इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, और यह भारत की पहली मस्जिद है। कौन सी, कुव्वत उल इस्लाम को भारत की पहली मस्जिद भी माना जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है 24वां प्रश्न, सुमेलित करना है। देखिए एक तरफ शासक यानी कि एक तरफ कुछ शासकों के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ कुछ और नाम दिया हुआ, तो उसको मिले सुमेलित करना, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब वहीं दे पाएगा जो या तो इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ता हो और जिसने इतिहास विस्तार से पढ़ा हो। देखिए पहला नाम है बलबन, तो बलबन का संबंध इन चारों में से किस में है, देखिए तो बलबन का संबंध हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दीवाने बरीद, सही आंसर क्या हो जाएगा, बलबन का संबंध था दीवाने बरीद से, यानी कि जो बलबन ने दीवाने बरीद यानी कि गुप्तचर विभाग की स्थापना करवाई थी, तो हमारा ए का यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दीवाने रियासत की स्थापना करवाई थी, किसकी, दीवाने रियासत जिसे वाणिज्य विभाग कहा जाता है आप सभी को पता होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी और इसीलिए उसने जो है दीवाने रियासत की स्थापना की थी, तो हमारा बी का क्या हो जाएगा, बी का हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसकी स्थापना करवाई थी, दीवाने कोही, आपको यहाँ पर याद रखना होगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही यानी कि कृषि विभाग की स्थापना करवाई थी, तो हमारा सी का हो जाएगा नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा।
और फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात की स्थापना यानी कि दान विभाग की स्थापना करवाई थी। तो डी का हमारा क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर एक बार आप फिर देख लीजिए, बलबन ने दीवाने बरीद की स्थापना करवाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत की स्थापना करवाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही और फिरोज शाह तुगलक ने जो है दीवाने खैरात की स्थापना करवाई थी। तो अगर हम इसका कूट मिलाएं तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न का जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया होगा उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी को अपनी मातृभाषा में लिखा था, बाबर की मातृभाषा क्या थी ये बताना है आपको। तो देखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है तुजुके बाबरी लिखा था और उसने इसे लिखा था तुर्की भाषा में, क्योंकि जो बाबर की मातृभाषा थी वो क्या थी, तुर्की भाषा थी। जबकि यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल जो इसका तुजुके बाबरी का अनुवाद किसने किया था, तो आपको याद रखना है तुजुके बाबरी का जो अनुवाद किया था वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था और उसका नाम क्या था, बाबरनामा। क्या नाम है, बाबरनामा नाम से अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुके बाबरी का। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, 26वां प्रश्न है, सुमेलित करना है आपको, एक तरफ कुछ दिए हुए हैं एक तरफ कुछ और दिया हुआ है। देखिए पहला है एतमादुद्दौला का मकबरा, क्या है, एतमादुद्दौला का मकबरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो एतमादुद्दौला का मकबरा था इसका निर्माण 1626 ईस्वी में नूरजहाँ ने करवाया था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एतमादुद्दौला के मकबरा से जो है भारत में सफ़ेद संगमरमर का प्रारंभ हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एतमादुद्दौला का जो मकबरा था इससे भारत में सफ़ेद संगमरमर से निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। तो हमारा ए का ऑप्शन नंबर जो 2 है करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको प्रश्न ध्यान से देखना है। दूसरा है हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का जो मकबरा है इसे ताजमहल का अग्रवर्ती भी कहा जाता है। किस का अग्रवर्ती, ताजमहल का अग्रवर्ती कहा जाता है हुमायूं का मकबरा। और यह चार बाग शैली में बनने वाला पहला मकबरा था भारत में, दूसरा हो जाएगा। तो हमारा बी का ऑप्शन नंबर जो 3 है करेक्ट हो जाएगा। तीसरा है अकबर का मकबरा, अकबर के मकबरे पर बौद्ध विहार का प्रभाव था, तो ऑप्शन नंबर यानी कि जो सी है इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। और जो लाल किले में औरंगजेब ने जो है मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, किसमें, दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो डी का हमारा क्या हो जाएगा, डी का 4 हमारा जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इस प्रश्न का भी जिन लोगों ने सही जवाब दिया होगा उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी। अगर हम कूट देखें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जिन लोगों ने चुना होगा उनका जवाब राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 27वां प्रश्न, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शेर शाह को अकबर का अग्रगामी भी कहते हैं। तो शेर शाह की जो महानता का द्योतक है उसके प्रशासनिक सुधार थे, शेर शाह को जो है उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए ही याद किया जाता है। शेर शाह का मकबरा आप सभी को पता होगा, सासाराम में जो है शेर शाह का मकबरा स्थित है, बिहार के सासाराम में। अगला प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। देखिए एक तरफ कुछ नाम दिए हुए हैं एक तरफ दिया हुआ है कि स्थापना कब हुआ था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न का भी आपको बहुत विस्तार ध्यान से जवाब देना होगा। अगर ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछ लिए जाएँ तो आपके लिए काफ़ी कठिन भी हो सकता है क्योंकि सभी इसमें 4 सन दिए हुए हैं। तो देखिए पहला है इबादत खाने की स्थापना, तो अकबर ने जो है 1575 में इबादत खाने की स्थापना की थी, कब, अकबर ने 1575 में इबादत खाने की स्थापना की थी। दूसरा है मजहर की स्थापना, तो देखिए अकबर ने मजहर की स्थापना कब की थी, 1579 में जो है अकबर ने मजहर की स्थापना की थी। तो हमारा बी का भी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार किसने किया था, तो 1580 में इसका उद्धार हुआ था। और बात करें कि नवरोज उत्सव का शुरुआत किसने किया था, तो बलबन ने जो है नवरोज उत्सव का शुरुआत किया था और इसका पुनरुद्धार जो है 1580 में अकबर के शासनकाल में हुआ। चौथा ऑप्शन है कि दिन ए इलाही की घोषणा अकबर ने कब की, तो अकबर ने 1582 में जो है दिन ए इलाही की घोषणा की थी। तो यहाँ पर हमारा सही क्या हो जाएगा, सभी जो है सही सुमेलित है, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 करेक्ट हो जाएगा। अगर हम कूट देखें तो ऑप्शन नंबर बी, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शेर शाह के राजस्व में कबूलियत क्या थी, जो शेर शाह का राजस्व था उसमें कबूलियत क्या थी, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, काश्तकारों के साथ जो हुआ समझौता पत्र होता था उसे कबूलियत कहा जाता था। यानी कि जो काश्तकारों के साथ समझौता का पत्र होता था, कॉन्ट्रैक्ट होता था, उसे ही कबूलियत कहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जिन लोगों ने भी चुना होगा उनका जवाब राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
तीसवां प्रश्न है कि अकबर द्वारा मजहरनामा जारी करने का क्या परिणाम हुआ। देखिए अकबर ने जो मजहर की घोषणा की थी वह 1579 में की थी, और इसका जो परिणाम ये था कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परिणाम ये था कि धर्म के क्षेत्र में अकबर की जो पकड़ है मजबूत हो गई। इसी के साथ मजहरनामा के जारी करने के बाद धर्म के क्षेत्र में अकबर की जो पकड़ थी वो मजबूत हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की बुनियादी कमजोरी क्या थी जिसे राष्ट्रीय मुस्लिम नेताओं को अनुभव किया, यानी कि मुस्लिम लीग की बुनियादी कमजोरी क्या थी जिसे राष्ट्रीय मुस्लिम नेताओं ने अनुभव किया था। तो देखिए इस प्रश्न का हमारा करेक्ट जो जवाब है मुस्लिम लीग से संबंधित, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसकी कमजोरी ये थी कि जो मुस्लिम लीग था या ब्रिटिश शासकों के प्रति इसकी निष्ठा का जो सिद्धांत था वो खतरनाक था। अब बात आई है मुस्लिम लीग की, तो आपको याद रखना होगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। ढाका में सलीमुल्ला खान ने और आगा खान ने जो मिलकर है मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तो मुस्लिम लीग ने जो है बंगाल के विभाजन का समर्थन किया था, ये बात आपको याद रखनी होगी। अगला प्रश्न है, शक संवत जो कि 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था किस शासक ने जारी किया। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो शक संवत था जिसे 78 ईस्वी में जारी किया गया इसे कुषाण राजा कनिष्क ने शुरू किया था। किसने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कुषाण राजा कनिष्क ने जो है शक संवत की शुरुआत भारत में की थी कब से, 78 ईस्वी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न, वह महिला शासिका क्रांतिकारी कौन थी जिसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर से उपाधि ग्रहण करते समय उसे गोली मार दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वह महिला क्रांतिकारी जिसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर से उपाधि ग्रहण करते समय उसे गोली मार दी, तो उनका नाम हो जाएगा बीना दास। इन्होंने जो है गवर्नर को गोली मार दी थी उपाधि लेते समय। ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौते का मुख्य दोष क्या था, यानी कि देखिए 1916 में जो है लखनऊ समझौता हुआ था इसका मुख्य दोष क्या था। तो देखिए करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा लखनऊ समझौते करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यह इस अवधारणा पर आधारित था कि हिंदू और मुसलमान दो पृथक समुदाय हैं। आप सभी को पता होगा इसमें 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था इसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया था और कांग्रेस ने भी भाग लिया था, और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए गया 35वां प्रश्न, निम्न में से कौन रॉलेट सत्याग्रह के समय बनी सत्याग्रह सभा के सदस्य थे। तो देखिए निम्न में से कौन कौन जो है रॉलेट सत्याग्रह के समय बनी सत्याग्रह सभा के सदस्य थे। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, बीजी हर्नीमैन, डीडी साते और चौथा एनी बेसेंट। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। देखिए इसमें शामिल थे महात्मा गांधी, बीजी हर्नीमैन और डीडी साते, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि रॉलेट एक्ट जो भारत में कब आया था, तो रॉलेट एक्ट 1919 में भारत में आया था। इसे काला कानून या फिर काला अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहते हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी के उपवासों की श्रृंखला में से सर्वप्रथम उपवास किस दौरान किया गया, यानी कि महात्मा गांधी का जो पहला उपवास या फिर इसे हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल कौन सा था। तो सही आंसर हो जाएगा जो अहमदाबाद में मिल मजदूर का हड़ताल था, यानी कि जो अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन था उसी भी समय महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो है भूख हड़ताल किया था। ये घटना 1917-18 के बीच में जो है घटित थी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था जो कि 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, और असहयोग आंदोलन जो था यह 1920 में हुआ था। तो ये सभी के आपको डेट याद रखने हैं। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, स्वराज्य पार्टी द्वारा प्रस्तावित परिषद प्रवेश की नई नीति का उद्देश्य क्या था। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में, और इसके जो परिषद प्रवेश था इसकी नीति का उद्देश्य क्या था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 का परीक्षण करना। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा भारत सरकार 1919 का परीक्षण करना करेक्ट हो जाएगा। बात करें कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के समय में भारत के गवर्नर कौन थे, यानी कि वायसराय कौन थे। तो जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वो जो भारत के उस समय वायसराय थे। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न, बहिष्कृत भारत नामक पत्र की स्थापना किसने की थी। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो बहिष्कृत भारत नामक पत्र था इसकी स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सही आंसर हो जाएगा 1920 में स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना की थी एम एन जोशी ने, और इसके पहले अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, 40वां प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का पहला क्रांतिकारी कार्य क्या था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था इसका पहला क्रांतिकारी कार्य था कि लाहौर में सैंडर्स की हत्या करना। यहाँ पर याद रखना है कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह सुखदेव द्वारा मिलकर किया गया था, और लाहौर में जो सैंडर्स की हत्या की गई ये इनका पहला क्रांतिकारी कार्य था, और बाद में भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी इसी केस में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने 20 प्रश्न और डिस्कस किए, सब मिलाकर हमारा इतिहास के 40 प्रश्न हो गए हैं। इसी प्रकार से हम 100 प्रश्न तक जाने वाले हैं। देखिए काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न आपको आज मिले होंगे, आपको लगा होगा कि जो ये लेवल थे अच्छे लेवल के प्रश्न थे। अगर आपने 20 इन 20 प्रश्न में से अगर 14 से 15 प्रश्न सही किया है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। अगर आपने 8 से 10 प्रश्न सही किए तो भी आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। अगर इससे भी कम आपने प्रश्न सही किया है तो आपको अपनी लगातार तैयारी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।